की सियासत कुछ इस तरीके से रंग लाई है कि लगातार जो पक्ष है सत्ता पक्ष वो विपक्ष पे हावी है और विपक्ष सत्ता पक्ष पे हावी है। इसको लेके कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा मार्च किया जाएगा जो कि गांधी मैदान से शुरू होते हुए बिहार विधानसभा जाएगा, जिसको लेके पटना के रास्तों पर हर जगह पोस्टर लग गए हैं, जगह जगह पोस्टर वॉर चल रहे हैं और लगातार पूरा रास्ता जो है इस मार्च को लेके सज चुका है। आप एक बार देखिए, आप इस सारे पोस्टर में बस यही लगा है कि 13 जुलाई 2023 को विधानसभा मार्च होगा, जिसको लेके सारे विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इन पोस्टरों में एक अद्भुत पोस्टर हमें नज़र आया है जो हम अपने माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। आप इस पोस्टर पे नज़र डालिए जहां आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और शिक्षक अभ्यर्थी दिखेंगे। आपको बताएं और लिखा है, भाग भतीजा भाग, कहाँ चाचा जल्दी भाग, जनता हिसाब मांग रहा है। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके हाथ में जो अटैची है या ब्रीफ केस बोल लीजिए, उसमें लिखा है 10 लाख रोजगार। और दूसरी तरफ जहां तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं कुली बना दिया गया है और लिखा है पकड़ो पकड़ो भाग रहा है। और तेजस्वी यादव के जो सर में बैग है उसमें लिखा है 10 लाख नौकरी। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है वो है शिक्षक अभ्यर्थियों का। आपको बताएं जब तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष में थे तो उन्होंने वादा किया था कि शिक्षक अभ्यर्थियों को पहली कलम से नौकरी देंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष में आए वो अपना वादा भूल गए, जिसको लेके ये पोस्टर बनाया गया है। और नीचे लिखा है नौकरी तो बस बहाना था, चाचा भतीजे को कुर्सी अपनाना था, चाचा की चतुराई को ऐसे ना बुलाओगे, सड़क पर उतरे हैं अब सच्चाई दिखाएंगे। ये पूरा वाक्य शिक्षक अभ्यर्थियों का है। शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें तो वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और हमेशा अपनी मांगों को लेके सड़क से सदन तक लेके जा रहे थे। लेकिन ये पोस्टर वॉर जो है अपने आप में एक कलाकारी साबित हो रही है बिहार की सियासत के लिए, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे सूट वूट में नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव है जो कुली के बेस में नज़र आ रहे हैं। और जिसने ये पोस्टर बनवाया उनका नाम है कृष्णा सिंह कल्लू और भाजपा नेता है। और आपको बताएं शिक्षक अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेके आगे आ रहे हैं और कल जिस तरीके से उन पर लाठी चार्ज हुई थी उसके बाद लगातार जो विपक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी वो इस मुद्दे को पकड़ लिया है, उसके बाद से ही वो ये सवाल कर रहे हैं सत्ता पक्ष से कि आखिरकार नौकरी कब मिलेगी। क्या नौकरी भी एक जुमला है? चाहे बात कर ले सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, दोनों ही लोगों ने शिक्षक अभ्यर्थियों का मजाक बना दिया है। जब NDA की सरकार थी तभी भी शिक्षक अभ्यर्थी मार खाए थे और अब महागठबंधन की सरकार है तो भी शिक्षक अभ्यर्थी मार खा रहे हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि 13 जुलाई को जो विधानसभा मार्च हो रही है उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। सहयोगी हीरा के साथ स्नेहा गुप्ता, IBTV पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।